रोड के साथ में जो डंगे दिए जाते हैं वो डंगे बरसात आने से पहले ही चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि इनमें मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं होता है। लोगों का कहना है कि लगातार ग्रिफ जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ साथ जो है जो काम का अंजाम दे रही है वो महज एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है वो काम को अंजाम दे रही है। काम तो सही नहीं हो रहा था, ये तो गलत हो रहा काम। क्या गलत हो रहा है काम? ऐसे ही देखो रोड सही नहीं है, वो खड्डा है, खड्डा है जो पूरा मटेरियल सही नहीं है। इन लोगों ने कुछ लगाया ही नहीं है सड़क पे, कुछ भी नहीं लगाया, दिखाई नहीं देता। देखो क्या हालत है सड़क, मटेरियल तो ऐसे ही है, ये बेकार चीज है, यूज कर रहे हैं। टेस्टिंग होनी चाहिए कि पता लगे कि इस रोड पे लग क्या रहा है। टेस्टिंग किसकी की गई है? पास है उसमें और ये मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। किसने कहा है कि ये टेस्ट ग्रिप का दावा है? ग्रिप का होगा लेकिन हमारे सामने दिखाते नहीं है, दिखाते कुछ नहीं है। ये जो है हमने थोड़ा सा मटेरियल जो है ये इसी जो ये लगा रहे हैं उसी मटेरियल को लगाया है हम। इसमें अब पानी लगाए, पानी जो है वो डालने वाले हैं। बहन जी ले सकते हो पानी आपका? इस मटेरियल को बता दीजिए कि क्या है। ये है इनकम मटेरियल और दूसरी ये है इनकम मटेरियल जिसमें ये दावा है कि इसमें दो बैग सीमेंट के हैं और इसमें हमने कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है और साफ देखा जा सकता है कि सीमेंट की कोई मिलावट इसमें नहीं है। और यहाँ बनी पुलिस ने जो है एक बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ जो है हर तरफ उनकी सराहना हो रही है और बार बार यही हम भी जो है जिक्र कर रहे थे कि यहाँ का सीमेंट जो है बार बाहर मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है और जहाँ की पुलिस ने इतना बड़ा काम किया और इनको आईना दिखा दिया और जो जनता जो थी बार बार ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर ग्रिफ काम क्या कर रही है, वो पुलिस ने जिम्मेदारी के साथ इनको आईना दिखाया जिसमें ग्रिफ का सीमेंट जो है जब्त करके आवाम को दिखा दिया कि आखिर यहाँ का ग्रिफ क्या काम कर रहा है। इसके बाद जो है हम आपको एक और स्पॉट पे ले चलते हैं कि जहां पर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का जो है मटेरियल यूज किया जा रहा है और सभी जगहों पर बन्नी से बसोली तक सभी जगहों पर सुक्के नाला का ही मटेरियल लगाया जा रहा है जिनके इनके पास लैब टेस्टिंग नहीं है। Thank you.
मटेरियल सूखा नाला का लग रहा है सर, ये लोग पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं। और बहुत सारा सर दीवार भी गिरा है यहाँ पर, तो हमने सर बहुत बार ये कोशिश भी किया है, बहुत बार बोला भी है, ये लोग मानते नहीं हैं सर। इसलिए सर हमारी रिक्वेस्ट है कि ये अच्छा रोड बनना चाहिए, अच्छी दीवारें लगनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ जे एंड के स्टेट में मैं ये बताऊँगा कि बनी ब्लॉक में तो ऐसे ही चल रहा है, यहाँ तो करप्शन ही हो रही है सर, एक हिसाब से करप्शन ही है ये, कि हमारे कोई भी ऑफिसर लोग या एस डी एम साहब या कोई भी हमारे विधायक हैं या कोई भी है, इनको थोड़ा इनको देखना चाहिए कि कौन सा मटेरियल लग रहा है, क्या कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, थोड़ा इनको देखना चाहिए। हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं, SHO साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा इनको देखिए और अच्छे से इस रोड की डेवलपमेंट होनी चाहिए। सर देखिए जो ब्रस्ट वाल लगा रहे हैं वो कच्ची जगह खोदते नहीं अच्छी तरह, उसको खोदते नहीं और ऊपर से ही दीवार लगा देते हैं, तो फिर दीवार तो गिरेगा सर। वो मिट्टी लगाते हैं फिर सूखे नाला का मिट्टी लगाते हैं तो वो तो गिरेगा, उसमें मसाला पड़ेगा, सीमेंट पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता है, क्या करते हैं कोई पता नहीं है इनका। तो अगर उसमें मसाला लगाएंगे, अगर उसको नाप तोल के काम को करेंगे तो वो अच्छा होगा, ऐसे मिला के डाल देंगे तो वो तो फिर ऐसे गिरेगा ही। सूखे नाले का जो पहले इन्होंने सुनने में आया था बोला टेस्ट पास है, यही चलेगा RBM, तो इनके पास तो है ही नहीं कुछ ऐसा। ओके बताओ सर, इनको पता होना चाहिए, तो ये तो बोल रहे थे पास हो गया है, अच्छा मटेरियल लगे तो हमारा रोड बनेगा अच्छा, जैसा क्रेशर की बजरी लगेगी तो बहुत बढ़िया काम होगा, रोड हमारा बाल बच्चे चलेंगे सब चलेंगे, अभी जैसा अभी दुवाले जा रही है तो फिर कच्चा मटेरियल लगा था 10 साल के अंदर अंदर तो रोड बर्बाद हो जाएगा, वो तो अच्छा लगना चाहिए, हम भी जान रहे हैं अच्छा मटेरियल अच्छा लगना चाहिए। और यही कहना है कि कम से कम जो ये मटेरियल जो लगाया जा रहा है इसकी लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट जो है, अगर ये पास है लैब टेस्टिंग में तो उसकी कम से कम जनता को दिखाया जाए कि ये जो मटेरियल लगाया जा रहा है इसकी जो लैब टेस्टिंग है आम जनता के सामने इसको रखा जाए कि ये वाकया में सड़क में के तामीरी काम में लगाने के काबिल है। हो रहा है अच्छा काम तो कहीं नहीं है ग्रिफ वालों का, जहाँ भी देखो वही ऐसा ही है। सूखा नाला, सूखे नाला लगा ठीक है, मैं नहीं अपने काम नहीं लाना है, क्या नहीं लाना, काली मिट्टी है। आपको बता दें कि इनकी तस्वीरें जो है हम ब्लर करके दिखाएंगे, थोड़ा मतलब डार्क करके दिखाएंगे, क्योंकि इसी ग्रिफ में ये काम करते हैं और इसी यहीं से इनका रोजी रोटी का जो सारा दारोमदार है इसी सड़क से है, और इसलिए हम इनकी सभी की तस्वीरें जो है एक डार्क करके दिखाने की कोशिश करेंगे। पर साफ तौर पर इनका भी यही मानना है, हालांकि मिस्त्री हैं और इनका भी यही मानना है कि मटेरियल जो है ठीक नहीं है, हम अपने घर में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालाँकि ये बन्नी बसोली का सड़क का काम जो था वो भी हमारा अपना ही था। और यहाँ पर किस तरह से कुछ लोग जो हैं, जो इन एजेंसीज के लोग जो हैं, किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं वो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। देखते हैं कि इसके बाद इस रिपोर्ट के बाद जो है उम्मीद करते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है वो ज़रूर इस तरफ ध्यान देगा, और जो लोग हैं जो ये जानने का हक रखते हैं कि आखिर यहाँ पर इस तरह का मटेरियल क्यों लगाया जाता है, अगर ये वाकया में लैब टेस्टिंग इसकी हुई है तो आम जनता के सामने उस टेस्टिंग की रिपोर्ट को रखा जाए, लेकिन ये जनता है जानना तो चाहती है, आखिर ये प्रशासन है कि किसी की सुनता ही नहीं, और लगातार 20 सालों से इस सड़क पर ऐसा ही हो रहा है, सब ने आवाज़ें उठाई लेकिन यहाँ पर सुनेगा कौन, सभी ने अपने कान और आंखें बंद कर किए हुए हैं और जनता जो है चला रही है लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं है। अगर सड़क पर इसी तरह का सड़क बनानी होगी तो रहने दीजिए, फिर ब्लैक टॉप करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है, अगर ये सड़क 2 महीने के बाद गिर ही जानी है तो रहने दीजिए, फिर ये ब्रस्ट बाल आखिर क्यों लगाने हैं तुम्हें। देखते हैं इस रिपोर्ट के बाद जो है किस तरह प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी जो है जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता है और इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है, और जो जनता से उठी आवाज़ है लैब टेस्टिंग की, उस टेस्टिंग रिपोर्ट जो है लैब की, उसको आम जनता के सामने रखा जाए। बनी से मैं हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए। नीचे फेंका और ये जो मटेरियल है इसमें
ये साफ देखा जा सकता है कि इसमें भी जैसे बताया वैसे करना पड़ेगा। ये भी कहीं यही सोचते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर इनसे बात की कि यहाँ पर जो मटेरियल है क्या वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अपने घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर ज़रूर करेंगे। हालांकि इन्होंने कहा, मैंने इनसे यही भी पूछा, एक आस्था होती है हम सब की अपने अपने धर्म की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। ऐसे में मैंने इनसे पूछा कि उस पर एक आस्था, एक यकीन रख के एक कसम करके बता दें, सच सच बताने की कोशिश करें कि इस तरह का मटेरियल क्या आप अपने घर में यूज़ करेंगे। तो इन्होंने कहा कि इस तरह का मटेरियल जो है अपने घर में नहीं यूज़ कर सकते हैं। और ये एक हमारी ख़ास एक रिपोर्ट थी आज बनी बसोली सड़क से कि यहाँ पर किस तरह के काम को अंजाम दिया जा रहा है, और हमने साफ तौर पर आपको तस्वीरों में दिखाया कि यहाँ पर किस तरह का काम जो है वो हो रहा है। एक और स्पॉट पर हैं और यहाँ पर इस स्पॉट की अगर हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि उसी सुक्के नाले का सारा मटेरियल जो है इसमें लगाया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर इसका सारा वही मटेरियल जो सुक्के नाले का है वही यहाँ पर भी लगाया जा रहा है।